तो भाई अभी फाइनली बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, आनंद आ गया भाई। भाई सरोवर में ना बहुत ज्यादा मछलियां भी हैं। गाई ये देखो हमें कितना पुराना टॉय मिल गया भाई, जिसे ढूंढा गली गली वो अमृतसर में मिली भाई। ये मेरा फेवरेट टॉय था भाई बचपन में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरी सुबह। गाइस जैसा कि आपको पता हम अमृतसर आए हुए हैं, तो अभी हमारा प्लान बन गया दरबार साहिब मत्था टेकने जाने का। भाई सुबह सुबह 5 बजे ही निकल रहे हैं हम सारे भाई। 10-15 मिनट बस उठा दिया, फिर उसके बाद फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ा भाई। नहा के नहीं जाएगा तो कैसे जाएगा भाई, बिगर नहाए जाएगा क्या दर्शन करने? गाइस इतनी खतरनाक गर्मी हो रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और इन्हें भाई गीजर चाहिए भाई। वैसे एसी में सोते हैं, वैसे इन्हें गीजर चाहिए क्योंकि हम गर्म पानी से नहाते हैं ठंड में। तो भाई अभी पूरी गैंग नहा धो के रेडी हो चुकी है। चलो तो भाई अभी जल्दी से निकलते हैं भाई दरबार साहिब के लिए। तो गाइस अभी हम तो आ गए भाई, विशाल विशाल तो सो रहे हैं भाई रूम में। ये देखो हमारी ई रिक्शा भी आ गई और शांश और रोहन तो पहले ही आगे बैठ गए भाई, और सबसे पहले नहा भी लिए। तो भाई पूरी गैंग बैठ चुकी है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। पूरी गैंग निकल ली भाई दरबार साहिब मत्था टेकने। और ये देखो हमारे जैक स्पैरो, पास में छोड़ना बिल्कुल। तो गाइस फाइनली 2 मिनट के अंदर पहुंच चुके हैं हम दरबार साहिब के पास भाई। बहुत तगड़ा आनंद आ रहा है, सुबह सुबह ही पहुंच गए भाई 5 बजे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं दरबार साहिब के पास, अभी शूज जमा करते हैं और अंदर दर्शन करवाते हैं आपके। तो गाइस अंदर दर्शन के लिए ना सिर ढक के जाना होता है, तो अभी इन्हें पटका बांध दिया है, अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो अभी अंदर आ गए हैं भाई, अभी दर्शन करने चलते हैं भाई। तो भाई अभी सरोवर में स्नान कर रहे हैं भाई। भाई सुबह सुबह 5 बजे भीड़ देखो। कोई बोल राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। तो भाई अभी फाइनली बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, आनंद आ गया भाई। मजा आ गया, बस थोड़े से पैरों में दर्द हो गया भाई। सरोवर में ना बहुत ज्यादा मछलियां भी हैं। कारण करण करण करी कृपा तार तार रही, कृपा तार तार रही। तो भाई अभी दर्शन करके आ गए बाहर भाई, बहुत ही आनंद आया और साफ सफाई तो बहुत ही ज्यादा है। साफ सफाई देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आ रही है यहाँ पे तो। बाकी भाई विशाल के साथ पोपट हो गया, इसके वीडियो डिलीट। इसके बता भाई, मैं दोबारा बना ली। गाई ये देखो हमें कितना पुराना टॉय मिल गया भाई, जिसे ढूंढा गली गली वो अमृतसर में मिली भाई। ये मेरा फेवरेट टॉय था भाई बचपन में। तो अभी हम अमृतसर की मार्केट में घूम रहे हैं और हमारे पीछे बहुत ही फेमस चौक अमृतसर का। वाह वाह वाह, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो भाई कितना सुंदर चौक बनाया हुआ है। तो गाइस फाइनली हमारे दर्शन वर्शन हो गए हैं, अब हम यहाँ की ना मस्त मस्त चीजें एक्सप्लोर करेंगे। अमृतसर में ना एक बहुत फेमस जूस मिलता है भाई, पीने वाला जूस तो आपने बहुत देखा होगा, मगर आज हम आपको दिखाएंगे भाई खाने वाला जूस, नंदू जूस कॉर्नर पे। भैया पता है नंदू? लस्सी वाले ने बताया। ये देखो भाई नंदू की जूस की दुकान के यहाँ आ गए हैं, मगर दुकान ही बंद है पोपट। भाई नंदू का तो बंदू बन गया इस रोड की वजह से, दुकान ही बंद है। सोमवार को खुलेगी भाई दुकान। नंदू सबका बंदू, नंदू का रूम पे बुलाओ फिर बोला बना भाई। तो गाइस नंदू का तो बैड लक, उसकी तो दुकान खुली नहीं मिली। अभी हम आ गए ज्ञानी पंजाबी लस्सी। तो भाई आज आपको दिखाते हैं अमृतसर की सबसे फेमस लस्सी भाई, पेड़े वाली लस्सी। वैसे ये लस्सी ना लाहौर पाकिस्तान से फेमस हुई थी, मगर वहाँ तो जा नहीं सकते तो अमृतसर में ही दिखा देते हैं आपको। तो भाई अभी शांश की लस्सी आ गई है, शांश से पूछते हैं कैसी है। गाइस शांश और रोहन ने बिगर पेड़े के लिए, हम भाई पेड़े वाली लेंगे। ये देखो बुक्कड़, ये मलाई चाट के खा रहा भाई। अब भाई वहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच एनीथिंग, मैंने शांश के लिए। तो भाई अभी पेड़े का निकलेगा मक्खन, यहाँ पे देखो पूरे पेड़े मल दिए, उसके बाद भाई दही मिलेगी, फिर बनेगी भाई पेड़े वाली मस्त लस्सी। पहली बार पीऊंगा भाई। और इस भाई को देखो जिन्हें पेड़े का रोल बना बना के भाई बॉडी बना ली खतरनाक। भाई पेड़े का देखो कितना खतरनाक मक्खन निकलेगा, बिल्कुल लूनी घी। तो फाइनली 1000 साल के बाद हमारी लस्सी बन चुकी है, सीधा जाएगी पेट में, मजा आने वाला है। वाह जी वाह, कमाल किता। लो भाई फाइनली लस्सी आ गई हमारे हाथ में, और हमारे हाथ से ही ना भाई भीड़ देखो कितनी बढ़ गई है, इन्हें पता लग गया सबको सेलिब्रिटी आ गए यहाँ पे, सब्सक्राइब कर चुके हैं इनको। अभी जेन्युइन रिव्यू देते कैसी है लस्सी।
काके दिल खुश कर दीता भाई, मौज खड़ी कर दी मौज भाई। मेरा एक गिलास में काम नहीं चल रहा, मैंने तो दो दो लिए। ये देखो राहुल धान लिया भाई, घी दूध खान तो बॉडी बढ़े। समझ आई लाडली, आने फोकस करने दो भाई। चलो तो भाई अभी मस्त लस्सी पी ली है। ओ भाई हाईवे ड्राइवर मत बन यार। तो भाई अभी लस्सी पी गए ना, सीधा होटल आ गए हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर घूमने चलेंगे। भाई इन दोनों को देखो लड़ाई करते रहते हैं टाइम। गाइस अपने चीते भी खतरनाक है भाई, आए थे थोड़ी देर सोने भाई, शाम को बॉर्डर पे जाने का टाइम कर दिया और अभी तक उठे ही नहीं। नाम ने खाना खाया कुछ नहीं करा, और ये देखो भाई साहब इन्हें तो गुदगुदी भी नहीं होती, कौन सी हाल के बड़े खतरनाक खिलाड़ी है भाई। कोई असर नहीं है, इन्हें तो खाने की खुशबू देनी पड़ेगी पहलवान के ढाबे की। तो गाइस अभी पूरी गैंग रेडी हो चुकी है भाई। अमृतसर और यहाँ के फेमस कुलचे ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अभी हम जाने वाले अमृतसर की सबसे फेमस कुलचा शॉप भाई, वहाँ का कुलचा ना बहुत फेमस है। ये देखो फिर से सो गए भाई, कुलचे खाने नहीं खाने, उनको कुछ नहीं खाना है, अपन को सोना है। ये देखो एक्टिंग, खड़ा हो जा भाई हम तो जा रहे हैं, मुझे भी खाना है। तो गाइस अभी पूरी गैंग आ गई है अर्शी कुलचा कॉर्नर, अभी भाई अमृतसर का फेमस कुलचा खाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे बनने लग रहा है भाई, गुड़गांव के तो बहुत कुलचे खाए हैं, आज यहाँ का खा के देखते हैं कैसा है। गाइस शायद ने ना गुड़गांव के तो बहुत सारे कुलचे खाए हैं, आज पहली बार अमृतसर का कुलचे खाएंगे और बताएंगे क्या डिफरेंस है। वैसे तो बिल्कुल सेम होगा भाई, वही चीज तो वही है, टेस्ट भी देखते हैं। तो भाई सबसे पहले शांश का कुलचा आ गया है, हन्नी बुक्कड़ के लिए कुछ नहीं आया। तो भाई फाइनली मस्त पेट पूजा हो गई है भाई, एक नंबर के कुलचे थे। बाकी अमृतसर वाले होटल में शेर ने खाए 40 कुलचे और चीता ने खाए 20 कुलचे, सबके पेट फटने को हो रहे। हाँ भाई कैसा था कुलचा? एक नंबर था भाई। तो गाइस अभी मस्त पेट पूजा हो गई है भाई, कुलचे खा के मजा ही आ गया। अभी हम जा रहे हैं भाई जलियांवाला बाग, वहाँ घुमा के आते हैं आपको भाई। यहाँ की मार्केट देखो भाई, बहुत सुंदर बनाई हुई है। तो हम पहले क्यों नहीं आए इस एरिया में, ये तो ऐसा लग रहा है मॉल में आ गए। तो भाई ये है जलियांवाला बाग की एंट्री, तो अभी अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। भाई अंदर देखो सारे क्रांतिकारियों की फोटो बनाई हुई है। कोई उठे नीर, कोई सुपेद। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक के यहाँ पे भाई, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो भाई कितने सारे लोटस के फ्लावर हैं। गाइस इस जगह की भी अपनी एक अलग ही स्टोरी है, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। गाइस बात है उस टाइम की, जब हिंदुस्तान गुलाम था भाई अंग्रेजों का, उस टाइम पे यहाँ पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिसमें हजारों हजार लोग आए हुए थे, उसमें बच्चे भी थे औरतें भी थी। और अंग्रेज अफसर था एक जनरल डायर, उसने भाई उन सबके ऊपर ना गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और भाई उस ऑर्डर से ना हजारों हजार लोग मारे गए भाई, शहीद हो गए। तो उन्हीं का स्मारक बना हुआ है। बाकी भाई यहाँ के नरसंहार के बाद ना आजादी की लड़ाई भाई और भी तेज होगी, और जितने क्रांतिकारी थे ना उन्होंने भाई एडी चोटी का जोर लगा के भाई भारत को 1947 में आजाद करवाई दिया। बाकी भाई जब हम पिछली बार आए थे ना तो ये पार्क इतना बड़ा नहीं था, अब यहाँ पे भाई बिल्कुल कॉरिडोर सा बना दिया है। गाइस ये वो कुआं जिसमें आधी पब्लिक ने भाई कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की, और भाई आज भी वो गोलियों के निशान ना यहाँ की दीवारों पे हैं भाई, कितने साल हो गए ऐसे कैसे हैं। तो अभी आपको दिखाते हूँ, ये देखो भाई बहुत सारे गोलियों के निशान है दीवारों पे भाई। वैसे हम फ्री नहीं घूम रहे भाई, लाखों लोगों ने गोलियां खाई है भाई, ऐसे ही नहीं मिल गई आजादी। जो आज की डेट में कोई भी बंदा आता है कुछ भी बोल जाता है भाई, ऐसे गोलियां खानी पड़ती है भाई। घर में बैठ के बोलना ना बहुत आसान है, देश के लिए गोली खानी पड़ती है, गोली दवाई वाली नहीं ठोकने वाली गोली। तो गाइस अभी मस्त जलियांवाला बाग घूम लिए हैं, अभी भाई फाइनली चलते हैं होटल में। भाई सुबह से घूम रहे भाई थक गए भाई। सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ की सारी शॉप एक जैसी है। ये देखो भाई हमारे साथ कितना छोटा बच्चा है, इसने भाई मेले वाली टटर वाली बंदूक ली अमृतसर से, टटर करियो टटर। तो गाइस अभी फाइनली घूम घाम के आ गए होटल रूम में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।